ऑनलाइन अर्निंग के लिए ब्लॉग काफी अच्छा माध्यम होता है। ऐसे में गाइस, अगर आप ब्लॉगर पे नए हैं या फिर आप ब्लॉगर पे आना चाहते हैं ऑनलाइन अर्निंग के लिए, तो ऐसे में गाइस आपको कंटेंट स्टार्ट करने से पहले आपका डोमेन नेम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डोमेन नेम क्या होता है, जब आप अपना ब्लॉग बनाते हैं तो उसमें जिस नाम, जैसे मान लीजिए मेरा है टेक्निकल आवार ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, तो ये मेरा डोमेन नेम हो गया। तो गाइज, अगर आप ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका डोमेन नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इनिशियल स्टेज पे हैं और कोई फेमस पर्सनालिटी लाइक टेक्निकल गुरु जी या फिर ऐसे कोई भी टर्म अगर आपको मिल जाता है यहाँ पे डोमेन, तो गूगल पे रैंक जल्दी कर जाता है। इसके पीछे और भी बहुत सारे SEO होते हैं, लेकिन एक मेन रोल भी प्ले करता है। तो गाइज, अगर आप डोमेन नेम चूज कर रहे हैं तो आप नया जैसे यहाँ पे ब्लॉग बनाते हैं तो यहाँ पे आप कोई भी कंटेंट दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोरन दे रहा हूँ, और देखिएगा ब्लॉग बनाने वाले कितने होशियार होते हैं कि अगर ये करंट पे कोरोना वायरस करंट पे काफी चल रहा है तो ऑलरेडी ये डोमेन ले चुके होंगे, तो आप ये देख पा रहे हैं कि अवेलेबल नहीं रहेगा। इसी तरह से गाइस, आपको देखना है आजू बाजू, देखना है कौन ज्यादा अभी करंट पे है, कौन ज्यादा फेमस है, किसका नाम ज्यादा चल रहा है, या फिर कौन सा टर्म ज्यादा माउथ फ्री है। तो आप गाइस वही वर्ड चूज कर सकते हैं और उसी रिगार्डिंग आप कंटेंट बना सकते हैं। ऐसे में गाइस आई एम श्योर आप ब्लॉगिंग में काफी तरक्की करेंगे। इसके अलावा और जो चीजें होती हैं हम आने वाले वीडियोज में बताएंगे आपको।